तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस के बारे में। तो प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले ये समझते हैं कि सबसीक्वेंस क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है ए बी सी डी, फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है ए बी सी डी, ओके। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम सबस्ट्रिंग और सबसीक्वेंस दो डिफरेंट चीज़ होती है, अगर इसके करस्पॉन्डिंग सबस्ट्रिंग लिखेंगे तो क्या आएगा? ए बी एक सबस्ट्रिंग हो सकती है, बी सी सबस्ट्रिंग हो सकती है, सी डी हो सकती है, या ए बी सी हो सकती है, एंड सो ऑन, ओके। ये सारी क्या है? सबस्ट्रिंग। तो अगर सबस्ट्रिंग को केयरफुली देखेंगे तो क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस है। यानी ये क्या है? कॉन्टिन्यूस का मतलब ए बी साइड बाई साइड, बी सी साइड बाई साइड, सी डी ए बी सी, 1 2 3, इस तरीके से दिया हुआ है। बट सब सीक्वेंस आपका जो है ए बी सी डी के करस्पॉन्डिंग अगर सब सीक्वेंस लिखेंगे तो ए डी भी सब सीक्वेंस हो सकता है, ओके। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ एलिमेंट हम स्किप कर सकते हैं, या हमने बी और सी को स्किप कर दिया तो ए डी मिल गया, बट ए डी जो है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग नहीं होगा। तो ये आपकी सब स्ट्रिंग होगी, ये क्या होगा? सब सीक्वेंस होगा। लेट से अगर इस तरीके से लिखते हैं डी सी, तो डी सी क्या सब स्ट्रिंग होगी? सब स्ट्रिंग तो नहीं होगी। क्या ये सब सीक्वेंस होगा? ये सब सीक्वेंस भी नहीं होगा, ओके। मतलब क्या हुआ? ए और डी, पहले ए आएगा उसके बाद डी आ रहा तब तो ये ठीक है, लेकिन डी पहले यहाँ आ गया, सी बाद में आ रहा है, तो ये ऑर्डर क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है, तो ये अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब सब सीक्वेंस क्या होगा? ए डी हो जाएगा। और भी सब सीक्वेंस होंगे, मतलब हम ए सी डी भी लिख सकते हैं। ए सी डी भी क्या होगा? आपका सब सीक्वेंस होगा, यानी बी को हमने क्या किया? स्किप कर दिया। तो ए सी डी ये हो गया सब सीक्वेंस। अब नेक्स्ट क्या है? कॉमन सब सीक्वेंस। तो इसका मतलब कॉमन सब सीक्वेंस के लिए दो सीक्वेंस चाहिए, उसके लिए ये एग्जांपल लिया हुआ है। तो कॉमन सब सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ? ये आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है एक्स, दूसरा सीक्वेंस दिया हुआ है वाई। अब इसमें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट जो कॉमन है, वही कॉमन सब सीक्वेंस है। इसको इसको कंपेयर किया, ए मैच कर गया। नेक्स्ट या ई और बी नहीं मैच किया, नेक्स्ट ई और सी, देन कौन सा मैच आ रहा है? डी मैच आ रहा है, ओके। तो इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट मैच क्या आ रहा है? एफ, ये। तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो सब सीक्वेंस कॉमन सब सीक्वेंस है वो क्या है? ए डी और एफ आ गया। ये हो गया कॉमन सब सीक्वेंस। और नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। तो इसमें जो आपका कॉमन सब सीक्वेंस आ रहा है वही लॉन्गेस्ट, क्योंकि एक ही सब सीक्वेंस आ रहा है, ओके। मतलब एक ही नहीं आ रहा है, जैसे इसका सब सीक्वेंस आपका डी और एफ भी हो सकता है। इस तरीके से अगर लिखें ए और डी को ही सिर्फ ले लें तो ये भी एक सब सीक्वेंस है, या डी और एफ को ले लें तो भी एक सब सीक्वेंस है। लेकिन ये इसकी लेंथ कितनी है? टू। इसकी लेंथ कितनी है? टू। इसकी लेंथ कितनी? थ्री। तो इन इन तीनों में अगर देखेंगे तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या आ रहा है? ए डी एफ आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको अगर मैच करें, जी और जी मैच नहीं किया, इधर ये मैच कर रहा है, नेक्स्ट कहाँ मैच आ रहा है? टी मैच कर रहा है, नेक्स्ट ए मैच कर रहा है, नेक्स्ट बी मैच कर रहा है। तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो आ रहा है जी टी ए एंड बी, ये क्या है? इसके करस्पॉन्डिंग लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है। मतलब सब सीक्वेंस तो कुछ भी आएगा, जैसे कुछ भी, मतलब इसमें कॉमन सब सीक्वेंस तो जी भी हो सकता है क्योंकि ये मैच कर गया, बाकी हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं। और दूसरा क्या आ सकता है आपका? जी और टी आ सकता है। तीसरा क्या आ सकता है? जी टी ए आ सकता है। और चौथा क्या आ जाएगा? जी टी ए बी आ जाएगा, ओके। और ए बी भी आ सकता है। बट अगर इन सब में देखेंगे तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एल सी एस कहते हैं। तो इससे करस्पॉन्डिंग आंसर ये होगा। तो ये तो हो गया कि सब सीक्वेंस क्या होता है, सब स्ट्रिंग क्या होती है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या होता है। बट हम जो ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप ये चेक करेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके लिए दो क्राइटेरिया होता है, पहला क्या होता है? ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, दूसरा क्या होता है? ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, ओके। तो अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से रिकर्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम रिकरेंस जो है रिकर्सिव इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, ओके। सो अब देखते हैं रिकर्सिव इक्वेशन, ये आपकी रिकर्सिव इक्वेशन है, क्या है एग्जैक्टली, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो ये आपका क्या है? एल सी एस ऑफ एम कॉमा एन। तो एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है एक्स में कितने हैं, और एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे, ओके। तो लेट सपोज ये आपका क्या है? फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ 7 एलिमेंट है, यहाँ 6 एलिमेंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब क्या करेंगे, इधर से मैच करें राइट टू लेफ्ट, इसको और इसको मैच किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये दोनों मैच कर गए, इसका मतलब ये हो कि हमको एक ऐसा सीक्वेंस, दैट मीन्स बी, दैट मीन्स एक लेंथ का सीक्वेंस हमको मिल गया। अब क्या करेंगे, रिमेनिंग जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उसको क्या करेंगे, इससे चेक करेंगे। तो इसलिए जो पहला है, इफ एक्स ऑफ एम, दैट मीन्स एक्स ऑफ एम का मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों अगर मैच कर गया, तो अब रिमेनिंग एलिमेंट से क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इनमें कॉमन सब सीक्वेंस क्या है। इसलिए क्या कॉल करेंगे, 1 plus LCS ऑफ m माइनस वन कॉमा एन माइनस वन। इसलिए एक एक क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें और इसमें, फाइंड आउट करेंगे, ओके। उसके बाद चेक करते जाएंगे। ये तो हो गया पहला कंडीशन, जब ये
दोनों एलिमेंट जो है मैच कर रहे हैं। लेकिन अगर दोनों एलिमेंट मैच नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इस एग्जाम्पल को देखें, ये इंटरेस्टिंग है समझना। अगर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट नहीं मैच किए तो क्या करेंगे, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको, यानी ये जो आपका दिया हुआ है, इसको और इसको मैच करेंगे? नहीं, ऐसा करेंगे तो बहुत से एलिमेंट जो है मिस हो जाएंगे। तो अब करेंगे क्या, अगर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट मैच नहीं किया तो अब जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसको क्या करेंगे, इस पूरे से कंपेयर करेंगे। ओके, ये पहली पॉसिबिलिटी आएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आएगी, ए बी सी डी एच एफ, ये है, और दूसरा सीक्वेंस क्या है, ए ई डी एफ के। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या आएगी कि एम को एक साइज डिक्रीज करके बाकी रिमेनिंग एन जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको चेक करेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये इस पूरे एलिमेंट को लेके बाकी एक सब्ट्रैक्ट करके रिमेनिंग एलिमेंट से चेक करेंगे। ओके, ये सेकंड केस है। इफ एक्स ऑफ एम विच इज नॉट इक्वल्स टू वाई ऑफ एन, दैट मीन्स जो एक्स और वाई के जो सिम्बल्स हैं वो अगर मैच नहीं कर रहे हैं, तो एल सी एस ऑफ एम कॉमा एन माइनस वन, एल सी एस ऑफ एम कॉमा एन माइनस वन, ये है एम कॉमा एन माइनस वन, और इधर क्या है आपका एम माइनस वन कॉमा एन। देखो एल सी एस ऑफ एम कॉमा एन माइनस वन और दूसरा क्या करें, एल सी एस ऑफ एम माइनस वन कॉमा एन, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू देगा वही फाइनल रिजल्ट माना जाएगा। ओके, अभी एक एग्जाम्पल से जब इसको ट्रेस आउट करेंगे तो और क्लियर होगा। जब ये दोनों मैच कर रहा है तो सिंपली एक एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जब मैच नहीं कर रहा तो एक एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और दूसरे को रखेंगे, और दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले को रखेंगे इस, और उन दोनों में फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम क्या है। ये कब तक फंक्शन कॉलिंग होगी, ये क्या आपकी टर्मिनेशन कंडीशन, जब आपके एम के यानी एम इक्वल टू जीरो का मतलब इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में कोई भी एलिमेंट ना बचे या इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में कोई भी एलिमेंट ना बचे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। ओके, अगर कोई एलिमेंट नहीं तो उसको कंपेयर कहाँ से करें। तो ये हो गया इसका रिकर्सिव इक्वेशन। फॉर एग्जांपल पहला वाला केस अगर देखें, अगर कोई एक सीक्वेंस है, लेट सपोज ए बी सी एक्स है, और दूसरा भी अगर सपोज दैट ये भी ए बी सी है, ये इसका अगर बेस्ट केस मान लें, तो क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ क्या कॉल होगा, एल सी एस ऑफ थ्री कॉमा थ्री, सेम साइज के लिए डिफरेंट भी हो सकता है, तो एल सी एस ऑफ थ्री कॉमा थ्री मैच, तो ये क्या कॉल करेगा, एल सी एस ऑफ टू कॉमा टू, क्योंकि जब मैच होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट एल सी एस ऑफ क्या होगा, 2,2, दैट मीन्स ये भी मैच हो गया, 1 प्लस एल सी एस ऑफ 1,1, तो 1,1 का मतलब इन दोनों को कंपेयर किया तो फिर से मैच हो गया, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एल सी एस ऑफ 0,0, तो 0,0 कोई भी वैल्यू 0 हो गई, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0 है, आइदर एम और एन, अगर दोनों 0 तो ऑब्वियस से बात है 0, 0 प्लस 1 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3, तो कॉमन सब सीक्वेंस क्या है, ए बी सी, ओके ए बी सी, तो इसकी लेंथ कितनी है, 3 है। तो ये क्या है आपका पहला वाला केस है। अब हम दूसरे वाले केस को क्या करेंगे, ट्रेस आउट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसके बाद चेक करेंगे। ये तो हो गया कि हाँ ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर मिल गया कि हाँ आपके पास क्या है, एल सी एस ऑफ एम कॉमा एन, यानी एक प्रॉब्लम है जिसमें साइज एम एन है, इसको क्या कर रहे हैं हम फर्दर कॉल करें एम माइनस वन कॉमा एन, यानी ऑप्टिमल, यानी क्या मिल रहा है आपको, सब सब प्रॉब्लम मिल रहे। तो ये तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया रिकर्सिव इक्वेशन। अब डिस्कस करेंगे, ये तो इसका बेस्ट केस सिनेरियो ले लिया कि हाँ सारे एलिमेंट जो है आ रहे हैं तो सिर्फ यही केस आएगा, बट अब इसको ट्रेस आउट करेंगे, उससे हम फाइंड आउट करेंगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ओके, सो अब रिकर्सिव ट्री को जो है इस पर्टिकुलर एग्जांपल से हम लोग एनालाइज करते हैं, और इसमें टोटल जो है एक्स में 3 एलिमेंट्स हैं और वाई में भी 3 एलिमेंट्स हैं, यानी 3, 1, 2, 3 एम है और एन की वैल्यू 3, 3, तो एल सी एस ऑफ 3,3 कॉल होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट जो सिंबल्स हैं उनको क्या करेंगे, मैच कराएंगे तो पता चला मिसमैच हो गया, तो ये वाला इस केस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और यही क्या आएगा, वर्स्ट केस, अगर हर टाइम मिसमैच होगा तो उसके कारस्पॉन्डिंग रिकर्सिव ट्री होगी, तो ये होगी, उसमें हम जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करेंगे। तो 3,3 कॉल हुआ, तो पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी, एम को फिक्स करेंगे, एन घटाएंगे, और एम नेक्स्ट को एन फिक्स करेंगे और एम माइनस वन एम को घटा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले इसको ले रहे हैं और दूसरा जो एक्सप्रेशन यहाँ ले रहे हैं फंक्शन कॉल, तो एल सी एस ऑफ 3,2 होगा और दूसरा क्या होगा, एल सी एस ऑफ 2,3। नेक्स्ट 3,2, तो 3,2 का मतलब क्या हुआ, इसको और इसको मैच कराएंगे, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि जैसे अगर सपोज दैट आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ ए बी सी और दूसरा दिया हुआ पी क्यू आर, तो अगर ये दोनों मिसमैच हो गए तो पहले क्या करेंगे, आप इसको लेके इससे मैच कराएंगे, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, ए बी सी एंड पी क्यू आर इस पूरे को लेके इससे मैच कराएंगे कि कहीं कोई कॉमन सब सीक्वेंस तो आ रहा है कि नहीं, और इन दोनों में चेक करेंगे कौन सा जो है आपको ग्रेटर वाले मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ देखो ये आ गया 3,2, 2,3। अब 3 और 2 को तो यहाँ मैच, कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करा, तो इससे करस्पॉन्डिंग अगर देखेंगे तो ये रिकर्सिव ट्री बनेगी।
तो इसमें नंबर ऑफ लेवल्स कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेवल्स हैं. ओके, तो 6 लेवल का मतलब ये कि यहाँ m और m की वैल्यू हमने सेम ली हुई है, तो नंबर ऑफ लेवल्स इस पर्टिकुलर ट्री में कितने आएंगे, m प्लस n लेवल्स आ रहे हैं देखो. और अगर इसमें रिकर्सिव फंक्शन कॉल देखें तो बहुत सारे रिपीटेड फंक्शन कॉल, जैसे यहाँ 2,2 यहाँ भी है, 2,2 यहाँ भी है, 2,1, 2,1, इसका मतलब ये है कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है. ये ट्री अगर आप देखो, देखो ये ट्री है, टोटल m प्लस n लेवल है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल कितने हो जाएंगे, 2 to the power m+1, क्योंकि ये क्या है, बाइनरी ट्री. ओके, और ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, बट ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये कुछ लेवल्स फिल नहीं है, बट हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये आपकी कंप्लीट बाइनरी ट्री है वर्स्ट केस में. तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग रिकर्सिव एल्गोरिथम, ये आपका रिकर्शन है, रिकर्शन के थ्रू अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, 2 to the power m+n. बट ये क्या आपका टॉप डाउन अप्रोच, अगर इसमें मेमोराइजेशन यूज करेंगे तो उन्हीं फंक्शन को कॉल करेंगे, यानी नंबर ऑफ फंक्शन कॉल क्या होंगे, जितने डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल होंगे. एक बार अगर सपोज दैट यहाँ ये फंक्शन अगर यहाँ हमने इवेलुएट कर लिया है 2,2 को, तो दोबारा जब ये फंक्शन कॉल करेंगे तो उससे पहले चेक करेंगे. ओके, यहाँ हम एक टेबल क्रिएट कर लेंगे इस तरीके से. ओके, ये हम टेबल क्रिएट कर लेंगे, ये सपोज दैट आपका 0 है, 1 है, 2 है और ये 3 है, ये टेबल क्रिएट कर लेंगे, 0, 1, 2 and 3. तो इसका मतलब ये क्या है आपका 0, 0 बता रही है, 0, 1, 0, 2, 0, 3 एंड सो ऑन, जो भी सेल्स हैं वो फंक्शन कॉल है, इतने ही फंक्शन कॉल होंगे. इसका मतलब टोटल फंक्शन कॉल कितने हो जाएंगे, m+1 × n+1. ओके, ये फंक्शन कॉल होगा. तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ m इन टू n. कैसे सॉल्व हुआ ये टेबल और एंट्री कैसे फिल करेंगे, ये भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थोड़ी देर में. तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, 2 to the power m+n. अगर इस पर्टिकुलर रिकर्शन के थ्रू इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, 2 to the power m+n, जो कि एक्सपोनेंशियल है. बट अगर इसमें मेमोराइजेशन यूज करेंगे, मेमोराइजेशन का मतलब क्या हुआ, एक टेबल क्रिएट कर लेंगे, जितने भी फंक्शन कॉल होंगे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे LCS ऑफ 3,3, 3,3 का मतलब ये है, क्या ये कॉल हुआ, नहीं, तो इसका मतलब ये है कि इसको हम सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट 3,2, 3,2 कॉल नहीं है, 3,1 नहीं कॉल हुआ, 3,0, ओ इसकी वैल्यू मिल गई, क्योंकि 3,0 का मतलब पहला केस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी. 3,0 का मतलब ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की. नेक्स्ट टाइम अगर कहीं ये फंक्शन कॉल होगा तो हम इसको यूज़ कर लेंगे. नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा, 2,1 नहीं कॉल हुआ है, 2,0, 2,0 क्या है, 0. नेक्स्ट 1,0, 0. नेक्स्ट है 0,1, 0,1, 0, क्योंकि मैच तो हो नहीं रहा है. नेक्स्ट इसका मतलब इन दोनों में जो मैक्सिमम है, दोनों की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब 1,1 क्या हो जाएगा, 0. नेक्स्ट इसकी वैल्यू दोनों में कॉमन 0. ओके, तो 2,1, 2,1, 0. तो इस तरीके से कॉल करते जाएंगे, जैसे ही अब यहाँ आएंगे LCS ऑफ 2,2, चेक करेंगे, ओ 2,2 कहीं कॉल हुआ, नहीं, तो 2,2 कॉल करेंगे, चेक करेंगे, नहीं अभी कॉल नहीं हुआ. नेक्स्ट 2,1 ऑलरेडी कॉल है, उसकी वैल्यू क्या है, 0. तो इसका मतलब ये सारे हम फंक्शन कॉल अब नहीं करेंगे यूजिंग मेमोराइजेशन, ये फंक्शन कॉल नहीं होगा, सिंपली इसके एंट्री लेंगे और यहाँ से इसको पिक कर देंगे. 1,2 अभी कैलकुलेटेड नहीं है, नेक्स्ट 1,2 कहीं कैलकुलेट किए, नहीं, तो इसका मतलब फंक्शन कॉल होगी. नेक्स्ट LCS ऑफ 1,1 ऑलरेडी कैलकुलेटेड, तो ये सारे फंक्शन कॉल कहाँ तक है, ये नहीं होंगे. ओके, ये सारे फंक्शन कॉल नहीं होंगे. 0,2, 0,2 इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 यहाँ लिख लेंगे. उसके बाद क्या होगा, इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू 1,2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1,2 की भी वैल्यू 0 आएगी. तो ओवरऑल खैर ये सारी एंट्री 0 ही आ जाएगी, क्योंकि यहाँ कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है. तो इसमें अब जब 2,3 इधर आएंगे, देखो 2,2 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो ये सारे फंक्शन कॉल नहीं होंगे, तो इससे क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी. रिकर्शन के थ्रू अगर हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, 2 to the power m+n. बट इसमें अगर हम मेमोराइजेशन यूज करेंगे, मेमोराइजेशन का मतलब क्या होगा, जितने डिस्टिंक्ट फंक्शन होंगे उन्हीं को कॉल करेंगे, रिपीटेड फंक्शन को दोबारा कॉल नहीं करेंगे, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ m into n. तो ये जो है वो क्या है, ये आपका टॉप डाउन अप्रोच है, टॉप डाउन अप्रोच यूजिंग मेमोराइजेशन. बट अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट है वो डिस्कस करेंगे बॉटम अप अप्रोच से, यानी डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूजिंग बॉटम अप, किस तरीके से इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अब वो डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके, सो अब देखते हैं किस तरीके से बॉटम अप डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करेंगे LCS फाइंड आउट करने के लिए. एक सिंपल से एग्जाम्पल लिया, अभी और एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे, x, a, b, c, d, y, a, e, d, f. तो सिंपली क्या करेंगे, जो भी आपका जो है सीक्वेंस दिया होगा x और y, उसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट कर लेंगे.
सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, ऐसा जरूरी नहीं दोनों सेम हो, डिफरेंट भी होगा, अभी वो भी एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे। तो 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 5 की एक टेबल क्रिएट कर लेंगे, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। तो इस पर्टिकुलर एक्स को यहाँ प्लेस कर देंगे, वाई को इधर, या दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि एक्स को यहीं रखेंगे, यहाँ वाई भी रख सकते हैं, एक्स इधर रख सकते हैं। नेक्स्ट, अब क्या करना है हमें, कैलकुलेट करना है ये वैल्यू फाइनल, हमें ये कैलकुलेट करनी है, बट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अगर इस पर्टिकुलर स्लॉट को देखेंगे तो क्या है, एलसीएस ऑफ 0,0, एलसीएस ऑफ 0,0। तो चाहे एम के वैल्यू 0 या एन के वैल्यू 0, ऑब्वियसली बात उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है, एम, और ये क्या डिनोट कर रहा है, एन। तो सिंपली क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज यहाँ 0 होंगी सब 0 कर देंगे, चाहे एम की वैल्यू 0 हो या एन की वैल्यू 0 हो। ये है आपका एम और ये है एन, यानी एम कॉलम को डिनोट कर रहा है और एन जो है रो को। तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, क्योंकि इधर अगर इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू, ये सारी वैल्यू 0 इसकी वजह से हो जाएगी, ये सारी वैल्यू 0 इसकी वजह से हो जाएगी। नेक्स्ट, अब क्या करना है, एलसीएस ऑफ 1,1 कैलकुलेट करना है, एलसीएस ऑफ 1,1। तो चेक करेंगे यहाँ कौन सा कैरेक्टर है ए, इधर कौन सा कैरेक्टर है ए, मैच। तो अगर मैच होगा तो ये वाला कॉल होगा, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एलसीएस ऑफ 0,0, 0,0 मतलब ये क्या है, 0, इसकी वैल्यू में 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड कर दिया। सिंपली अगर दोनों कैरेक्टर सिंबल मैच कर रहे हैं तो सिंपली जो इसके अबव डायगनल है उसमें 1 ऐड कर देंगे, सिंपल। नेक्स्ट, अब यहाँ है देखो, मैच होगा तो अबव डायगनल में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, ए और बी, ये क्या हुआ, मिसमैच। तो मिसमैच होगा तो एलसीएस ऑफ 1,2 मिसमैच हुआ तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये वाला, एलसीएस ऑफ क्या करेंगे पहले, 1,1, दूसरा हो जाएगा एलसीएस ऑफ 0,2। ओके, पहले m को कौन रखते हैं, सब्ट्रैक्शन n में से करते हैं, दूसरे में m में से। एलसीएस ऑफ 1,1 क्या है, एलसीएस ऑफ 1,1 विच इज इक्वल्स टू 1, और एलसीएस ऑफ 0,2 क्या है, 0,2 0। तो दोनों में मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वही हम पुट कर देंगे। अगर इसको देखें केयरफुली कैसे कैलकुलेट, इसके लेफ्ट वाले अबव वाले जिस पर्टिकुलर स्लॉट को कैलकुलेट कर, इसके लेफ्ट में जाएंगे, अबव में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ कॉपी कर देंगे। जब सेम होगा तो डायगनल में 1 ऐड करेंगे, जब कैरेक्टर डिफरेंट होगा तो लेफ्ट वाले एबो में जो मैक्सिमम वैल्यू उसको जो है यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट, ए और सी डिफरेंट, तो दोनों में इसको और इसको चेक करो कौन सा मैक्सिमम है, 1, ए और डी 1। ओके, अबव लेफ्ट, सिंपल। अब देखो ई और ए को चेक करेंगे क्या है, यहाँ दोनों डिफरेंट है तो लेफ्ट जाएंगे, अबव जाएंगे, मैक्सिमम कौन सा है, 1। इधर ई और बी दोनों को कंपेयर करो, 1। इधर है ई और सी, 1। ई और डी, 1। यहाँ क्या है, डी और ए लेफ्ट अबव, 1। डी और बी लेफ्ट, 1 ही आ रहा है, डी और सी 1। यहाँ क्या मैच कर गया, तो मैच करेंगे तो क्या करेंगे, लेफ्ट अबव डायगनल में 1 ऐड कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। नेक्स्ट, एफ एंड ए मैच, सॉरी मिसमैच, 0 और 1 में देखेंगे कौन सा मैक्सिमम है, 1। इधर एफ और बी दोनों मैक्सिमम कौन सा है, 1। इधर एफ और सी 1। इधर क्या है, एफ और डी, इन दोनों मैक्सिमम क्या आएगा, 2। तो यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसका मतलब इन दोनों जो है सीक्वेंस में जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस आ रहा है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की वैल्यू क्या आ रही है, 2। बट अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस होगा क्या, यानी कौन कौन से कैरेक्टर आएंगे, तो वो इसी टेबल से फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, देखो इसको बहुत ध्यान से देखना, यहाँ से हमने फाइंड आउट किया है 2, अब यहाँ से क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, दोनों क्या सेम है, नहीं डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये है, तो ये वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट होगी, इन दोनों के मैक्सिमम, कौन सा मैक्सिमम है, ये इधर जाएंगे, इधर कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 2। तो यहीं से हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किए होंगे। नेक्स्ट, अभी कोई वैल्यू मैच नहीं की, यहाँ क्या डी और डी मैच कर गया, तो डी और डी जैसे ही मैच करेगा इसको लिख लेंगे, और ये वैल्यू कहाँ से आई होगी, इसके डायगनल से, क्योंकि जब वैल्यू मैच करी तो डायगनल पे 1 ऐड कर रहे हैं, तो अब हमें वापस जाना है कहाँ तक, 0 तक। तो इसका मतलब यहाँ मैच हुआ तो अब डायगनल पे आएंगे, इधर आ गए, यहाँ क्या है सी और ई, तो यहाँ क्या हुआ मिसमैच। तो मिसमैच का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट और अबव कहीं ना कहीं से आएंगे, तो यहाँ दोनों वैल्यू सेम है, तो या तो इधर से आए होंगे या तो इधर से आएंगे, तो हमें दोनों को एग्जामिन करना होगा। तो लेट सपोज पहले इसको चेक कर रहे हैं, इसको बाद में चेक करेंगे अभी। यहाँ आए ए और सी, क्या हुआ मिसमैच, तो ए और सी मिसमैच हुआ, तो इसका मतलब कहाँ से आएंगे, या तो अबो या तो लेफ्ट, पर अबो 0 है तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट से ही आएंगे, तो इधर आ जाएंगे।
इधर नहीं जाएंगे क्योंकि ये जीरो है, तो ऑब्वियस बात है यही इन दोनों मैक्सिमम में यही सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी, दो पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। दो पॉसिबिलिटी तभी आएगी जब दोनों वैल्यू सेम होगी। जैसे इसको कैलकुलेट करने के लिए इधर या इधर दोनों तरफ से ला सकते हैं, तो यहाँ आगे अब यहाँ क्या आ रहा है, ए और बी मिसमैच, तो या तो लेफ्ट से आते हैं, बहुत से ऑब्वियस बात है लेफ्ट से ही आए होंगे क्योंकि ये जीरो है। ए और ए मैच हो गया, ये कहाँ से मिला होगा, डायगनल, तो ए मैच कर गया। तो देखो इसकी लेंथ क्या आ रही है, ए और डी, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या है, ए डी, और इसकी लेंथ टू है। बट इसको भी एग्जामिन करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ भी वन आया। तो अब इसको देखते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए कैसे आए होंगे, इधर से आए, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको क्या मिला होगा, डी तो एटलीस्ट मिल ही चुका होगा इसकी वजह से। अब यहाँ आए ई एंड बी, ये क्या हो रहा है, मिसमैच, तो या तो एबव से आए होंगे या तो लेफ्ट से आए होंगे। ओके, तो एबव और लेफ्ट पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो एबव से हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कि हमको ए मिला है, तो वही सेम चीज़ फिर से मिल गया ए डी। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, यहाँ क्या है ई और यहाँ क्या है ए, दोनों क्या है डिफरेंट, तो डिफरेंट या तो लेफ्ट या तो अबव, पर डेफिनेटली अबव से ही आए होंगे, क्यों, क्योंकि इधर जीरो है, तो इधर आ गए ए और ए मैच कर गया, तो यहाँ तक आने के लिए डी मिला होगा। तो अगर हम तीनों रास्ते से गए, इधर गए तो भी ए डी मिल रहा है, इधर से गए तो भी ए डी मिल रहा है, और इधर से आए तो भी ए डी मिल रहा है, तो इसका मतलब लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस सिर्फ और सिर्फ ए डी ही मिल रहा है इस पर्टिकुलर सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस में कॉमन पार्ट जो है ए डी है। वो मल्टीपल आ सकता है ऐसा नहीं है, बट ये है कि आपका ये रिपीट हो रहा है तो सिर्फ एक ही बार लिखेंगे जिसकी लेंथ है टू है। बट ऐसा भी होगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपको दो दो सीक्वेंस दिए हैं उन दोनों में कॉमन मोर देन, जैसे यहाँ ए डी आया, हो सकता है बी डी भी मिल जाता, ए डी और बी डी, तो ये दो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस मिले, एक ए डी और बी डी, लेकिन लेंथ दोनों की सेम होगी। इस तरह के प्रॉब्लम जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।